हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं आज पटना का वो कौन सा है भैया, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आप सभी को दिखाते हैं, राधे कृष्ण का जो है इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि आप सभी को दिखाने जा रहे हैं और वहाँ पर घूमने भी जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। भैया बता रहे हैं, सुन लिया है हमारे गुरु जी, जो कि ये भी एक ब्लॉगर है। जैसे जो मतलब अगर आप मनी कभी इनकम टैक्स से पाओगे, ठीक है, तो इस साइड में देख रहे होंगे, इधर मॉडल लोग मारेंगे, ठीक है, इसी की साइड में, मतलब अगर आपको खाली आपको दिखाएंगे, ये रास्ता सीधा आप जाओगे तो आपको सीधा मतलब स्टेशन सिद्धू की तरफ ले जाएगा। उसी बगल में इस्कॉन टेम्पल, जैसा कि आपको पता ही होगा। भैया और आपने बता दिया यूट्यूब चैनल का नाम, भैया को सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट। हमारे बड़े भैया है, नहीं कीजिए तो खींच के लेके आएंगे भाई, आना तो पड़ेगा क्या भाव। ये देखिए कौन है, दुर्गा जी जो कि पीछे हो गए थे। फाइनली देखिए हम लोग आ चुके हैं टेम्पल के पास, जो कि पास में दिख रहा है कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। देखिए आ गए और अंदर विजिट करते हैं, तो बने रही हमारे ब्लॉग पर। अभी आपने मतलब देखा था कि हम लोग इनकम टैक्स से मतलब इस रास्ते से हम लोग आए हैं, ठीक है, उधर मतलब मौर्य लोक वाला मार्केट लगा हुआ था और साइड से मतलब एक पाल होटल पड़ता है जो कि पटना में काफ़ी फेमस है और घर अंगना है, ठीक है। ये भी मतलब एक बहुत बड़ा फेमस एक रेस्टोरेंट ही है, ठीक है। उसी के ठीक बगल में आप ध्यान से देखो तो वो सामने रहा इस्कॉन का गेट। जी हाँ, अब हम लोग इस्कॉन के गेट के पास मतलब पहुँच चुके हैं। अब हम लोग धीरे जाकर एंट्री करेंगे और चलिए मैं आपको अब अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने वो देखो PW का एक बहुत बड़ा मतलब ब्रांच है यहाँ पटना का और ये काफ़ी फेमस भी है। बारिश हुआ है यहाँ पर, पैर स्लिप कर रहा है भैया, मेरा ब्लॉगिंग कर रहा है सुमित भैया। और यहाँ से पटना एयरपोर्ट भी काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 1.5-2 किलोमीटर का दूरी पास ही होगा। और अब ये देखो इस मंदिर का गेट एंट्रेंस इधर से, ठीक है, और सामने आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब शूज़ वगैरह सब लोग खोल के अंदर घुसता है। आज भाई काफ़ी कम भीड़ है, अगर मैं संडे को आता ना तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता। चलिए फूफा जी देखिए अभी चप्पल रख रहे हैं हम लोग यहाँ नीचे, नहीं मंदिर से काफ़ी चप्पल चोरी होता है। चप्पल लेना हुआ तो ऐसे लेकर जा सकते हैं, 5,000 के चप्पल है भाई, चोरी नहीं किया जाता है मंदिर में, लेकिन हो जाता है भाई, हो जाता है तो क्या किया जाए उसके बारे में। रख दिए फ्रेम कर रिकॉर्ड जा रहे हैं अंदर में। अभी जो आपको जितना व्यू दिख रहा है ना, मतलब ये बहुत कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ है। अगर आप वही चीज़ आप संडे को आओ भाई, नेक्स्ट लेवल सीन रहता है यहाँ पे। और यहाँ से भाई पैर हाथ बिना धोए जाना मत, ठीक है, मतलब मंदिर जा रहे हो भाई, कम से कम पैर हाथ तो धोना कंपलसरी है। धो रहे हैं हम लोग, चल भाई। और ये भाई जितना भी मतलब आपको जितना भी हिस्सा दिख रहा है ना, ये सारा का सारा मतलब मंदिर का ही पार्ट है। चलो भाई अंदर में आरती हो रहा है, जैसे हम लोग जा रहे हैं अंदर में, नाचा लगा है।
आरती हो रहा है, हम लोग आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा आ गए। देखिए बाहर का व्यू देख सकते हैं, और दिखा रहे हैं आप सभी को, देखिए इधर बाहर का व्यू, इधर का व्यू कितना ही प्यारा है, जो कि देख सकते हैं आप लोग बाहर का व्यू देखिए। फाइनली देख सकते हैं आप लोग देखिए, और हम यहीं से और हम भी जाते हैं हमारा ग्रुप बने लिया हमारे ग्रुप पर। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, जो कि देख सकते हैं आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली देखिए अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, निकल चुके हैं। बहुत स्लिप कर रहा है, बारिश हुआ है इतना, मतलब क्या बोला जाए, बहुत स्लिप हो रहा है, पैर में चप्पल पहने हैं, जो कि देख सकते हैं आप लोग निकल चुके हैं बाहर हम लोग। फाइनली देखिए ट्रैफिक भीड़ कितना ज़्यादा भीड़ है, निकल सकते हैं आप लोग। फाइनली गाइस आ गए हम लोग पुलिस लाइन में, बर्गर खाते हुए बहुत थक चुके हैं चलते चलते, सुमित भैया का रिएक्शन देखिए। और देखिए राहुल सुखा जी को स्माइल, जो कि स्माइल कर रहा है आपको देख के लगता है कि आज के सर मेरे चेहरे पर ये 50 साल का, उसको मैंने 25 साल के टेस्ट में सर्जरी करा, काफा तो क्या नहीं हो सकता है। देखिए मतलब उनका 50 क्लस हो गया है ना, उनका 55 का, आपको लगता है 55 का ये नहीं ना, देखिए अमेरिका में हुआ था ना 25 लाख रुपये दे के, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में हुआ था इनका सर्जरी। देख रहे हैं कितना यंग लग रहा है, आप लोग भी करवाएंगे ना, करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस, तो अपना ब्लॉग यहीं सेंड करते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। सो बाय, लव यू।